आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 ऑलरेडी अपील कोड 1 टू क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि मोड वाला क्वेश्चन एक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट 70% टाइम। आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ से क्वेश्चन कवर किया जाता है, जबकि बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। अब देखते हैं कि क्या है। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमम डीएफए, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमम डीएफए वेयर द लैंग्वेज गिवन। व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज में सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारे पास इनपुट अल्फाबेट क्या गिवन है? इनपुट अल्फाबेट हमारे पास ए और बी हमारे पास इनपुट अल्फाबेट है। और हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है जिस पे हमें डीएफए बनाना है? बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी ट्राई टू मेक द डीएफए। कंडीशन इज दैट w mod 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मीन्स क्या है? ये मोड जो है, ये मोड हमारा रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या रिप्रेजेंट करता है ये W? ये W रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है मोड। अब ये मोड क्या बताता है? मोड बताता है कि जब आप किसी भी नंबर पे अगर आप मोड अप्लाई करते हैं तो आप उस नंबर का रिमाइंडर देखते हैं कि व्हाट आर द रिमाइंडर। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हूँ, अगर आपकी मोड इस पे मोड 3 अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल 1 mod 3 मीन्स 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा? ऑब्वियस है, वन रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 2 mod 3 करती हूँ, अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 3 mod 3 करती हूँ मिस, अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगेन मैं 4 mod 3 करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 5 mod 3 करती हूँ रिमाइंडर 2 आएगा। 6 mod 3 अगर मैं करती हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे होंगे, 1 2 0 1 2 0 क्या है यहाँ पे? 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ही रिपीट होगा अगर आप किसी भी नंबर पे अगर मोड 3 आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा 3 ही रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 0, 3 मोड हो गए। मीन्स अब ये रिमाइंडर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो आपके पास नंबर ऑफ स्टेट आएंगे डीएफए के अंदर वो कितनी होंगी? 3 स्टेट होंगी। कितनी स्टेट होंगी डीएफए के अंदर? 3 स्टेट होंगी। वो रिप्रेजेंट करता है ये मोड जो है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास ये नंबर ऑफ रिमाइंडर्स जो आते हैं वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी। अब आप 3 स्टेट देख लो,
तीन स्टेट आप बना लो, इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट ए कोमा बी, ये आपका जब जीरो रिमाइंडर है, ये जब आपका वन रिमाइंडर आया और ये जब आपका टू रिमाइंडर आया, ए कोमा बी, देन ए कोमा बी। अब आपको देखना है कि यहाँ पे मोड थ्री जो है, मोड थ्री कंडीशन क्या दी हुई है। अब मोड थ्री कंडीशन दी हुई है, उसने साफ साफ बोला हुआ है कि जब भी आप मोड थ्री अप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर या तो वन आना चाहिए या ग्रेटर देन वन आना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन कितनी कितनी स्टेट पे है। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वन आएगा या टू आएगा, मतलब देर आर टू रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन। द मीन्स अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या बता रही है कि आपके पास जो फाइनल स्टेट आएंगी वो कितनी आएंगी, टू फाइनल स्टेट आएंगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी जो इनिशियल स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होगी, लेकिन फाइनल स्टेट जो है हमारी एक से ज्यादा हो सकती है। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से मेरी एक तो फाइनल स्टेट ये बन गई और एक मेरी फाइनल स्टेट ये बन गई। अब आप सोच रहे होंगे ये डीएफए नहीं है, क्यों? बच्चों के कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ए कोमा बी है आपने एक ही उस पर ट्रांजिशन दे दी। नहीं, यहाँ पे ए कोमा बी रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आप ए को रीड करोगे या आप बी को रीड करोगे, एट ए टाइम आप एक सिंबल को ही रीड करते हो, एट ए टाइम एक सिंबल को ही रीड करते हो एट ए पर्टिकुलर स्टेट। अब इसमें पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है? अब इसमें कोई इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, आप सिर्फ ए का ही बनाओ, आप सिर्फ बी का ही बनाओ। इसमें आपका दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है, दोनों इनपुट अल्फाबेट को मिला करके आपको स्ट्रिंग्स बनानी है, आप बोल सकते हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ थ्री हो। और अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो मेरा जो रिमाइंडर है, मैं कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स बनाऊं, अगर मैं रिमाइंडर उसको डिवाइड करूं, उस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैं डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर वन आना चाहिए या रिमाइंडर टू आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, सिंगल ए हो सकती है, डबल ए हो सकती है, ट्रिपल ए हो सकती है, एंड आपका बी ए, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो, ये क्या है, वन, क्या है, वन लेंथ स्ट्रिंग है। अगर आप वन लेंथ स्ट्रिंग है, मतलब वन को थ्री से डिवाइड करोगे तो मोड क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, आपके पास वन आएगा। अब ये क्या है, टू लेंथ स्ट्रिंग है, ये क्या है, टू लेंथ स्ट्रिंग है। अगर आप इसको मोड थ्री यानी कि टू मोड थ्री अगर आप करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, टू आएगा। थ्री मोड थ्री, थ्री थ्री लेंथ स्ट्रिंग है, थ्री लेंथ स्ट्रिंग को अगर आप डिवाइड करोगे थ्री से तो क्या आएगा आपका मोड, रिमाइंडर जो है, अगर थ्री पे थ्री मोड अप्लाई कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा हमारा जीरो आएगा। नेक्स्ट हमारा ये क्या है, ये फोर लेंथ स्ट्रिंग है, ये क्या था, वन लेंथ स्ट्रिंग, टू लेंथ स्ट्रिंग, थ्री लेंथ स्ट्रिंग, फोर लेंथ स्ट्रिंग एंड फोर लेंथ स्ट्रिंग, अगेन फोर लेंथ स्ट्रिंग, सिक्स लेंथ स्ट्रिंग। अब आप इन पे मोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा, रिमाइंडर वन आएगा, रिमाइंडर वन आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर के देख लीजिएगा और उसके कोरस्पोंडिंग आप डीएफए बनाइए। अब जैसे मैंने ये वाली स्ट्रिंग पास करी है, अब इस स्ट्रिंग को कैसे चेक करेंगे, वैलिड स्ट्रिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड स्ट्रिंग है, बिल्कुल वैलिड स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग जो है हमारी पास होनी चाहिए इस डीएफए के अंदर, मीन्स ये जो मैंने स्टेट मशीन बनाई है, ये डीएफए मेरा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों, ये क्यों वैलिड है, ये क्यों वैलिड है, वैलिड तो है, लेकिन अगर मैं सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री अगर मैं करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है। लेकिन मेरी कंडीशन क्या बोल रही है, रिमाइंडर मेरा वन हो या ग्रेटर देन वन हो या
एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज स्ट्रिंग जो है रिजेक्ट होगी, ठीक है। मीन्स क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इस डीएफए के द्वारा रिजेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बी आया, बी मैंने रीड करा, ए आया, ए यहाँ से रीड किया, अगेन बी आया, बी मैंने यहाँ से रीड किया, ए आया, ए मैंने यहाँ से रीड किया, बी आया, मैंने यहाँ से रीड किया, ए आया, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ पहुंची, तो मेरा क्या है, ये नॉन फाइनल स्टेट है। ये क्या है, मेरी नॉन फाइनल स्टेट है। क्या ये मेरी नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग डीएफए के द्वारा रिजेक्ट हो गई है। अब ये देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं 3/4 अगर करती हूँ, रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या ये स्ट्रिंग मेरी डीएफए द्वारा एक्सेप्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट होनी चाहिए। चेक करते हैं, बी आया यहाँ से पिकअप किया, ए आया यहाँ से पिकअप किया, देन ए आया यहाँ से पिकअप किया, देन बी लेकर के वापस यहाँ पहुंचा, मतलब 1 नंबर स्टेट पे पहुंच गया, करेक्ट। अब आप देखते हैं कि ये जो है, जब आपका रिमाइंडर 2 आता है तो कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर वाली स्टेट पे जाना चाहिए। मीन्स की जो आपकी जिस स्टेट पे रिमाइंडर 2 है वहां पे पहुंचना चाहिए। देखते हैं, ए आया, मैंने यहाँ से पिकअप किया, अगेन ए आया, यहाँ से पिकअप किया, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। मीन्स क्या है कि जिस नंबर, जिस भी स्ट्रिंग्स को, जितने लेंथ की स्ट्रिंग को आप डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, अगर मान लो 4 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, मोड कर रही हूँ, मोड अप्लाई कर रही हूँ 3 पे, 3 से, तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मतलब 1 वाली स्टेट से वो एक्सेप्ट होगी वो स्ट्रिंग। 2 वाली, मतलब जहां पे मोड 2 आ रहा है, किसी स्ट्रिंग्स पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मोड 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मोड 2 वाली स्टेट उसको एक्सेप्ट करेगी। होप यू गाइस, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज कमेंट्स बिलो इन द वीडियो। आप वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा अत्याचार कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मुझे पता चल रहा है कौन लोग शेयर कर रहे हैं, कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.